सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रांसपोर्टर्स को भरोसा दिलाया है कि लॉकडाउन के बीच माल ढुलाई करने वाले ड्राइवर्स और हेल्पर्स को फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर बीमा कवर देने पर सरकार विचार कर रही है और इस बारे में जल्द ही घोषणा होगी। हालांकि 5 महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में 75% तक गिरावट के बावजूद डीजल और टायर की कीमतों में कोई कमी नहीं होने की शिकायतों पर सरकार अभी पत्ते खोलने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। ट्रांसपोर्टर्स के वेरिएबल कॉस्ट में इन दोनों कमोडिटीज की हिस्सेदारी 90% होती है। मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रियंक भारती ने बुधवार को ट्रांसपोर्ट संगठनों के साथ बैठक में कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच ट्रक संचालन में लगे ड्राइवर्स को स्पेशल बीमा देने पर शीर्ष स्तरों पर लगभग सहमति बन चुकी है, जिसकी घोषणा अगले कुछ दिनों में हो सकती है। हालांकि अभी तक गांव जा चुके ड्राइवर्स को उनके काम की जगह तक लाने के लिए सरकार ने कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बहुत सी ट्रांसपोर्ट संस्थाएं ड्राइवर्स बीमा के लिए मांग उठा चुकी हैं और सरकारों को इस संबंध में ट्वीट और पत्र भी लिखे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि करीब 400 जिलों में आर्थिक गतिविधियों की आंशिक छूट जरूर मिली है, लेकिन गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को पूरी तरह जमीन पर लागू नहीं किया जा रहा है। बैठक में कोरोना का प्रभाव खत्म होने तक सभी राजमार्गों पर टोल कलेक्शन स्थगित रखने और डीजल कीमतों में तुरंत कटौती की मांग भी की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम 5 महीने में $70 प्रति बैरल से घटकर $16 तक आ गए हैं, लेकिन देश में डीजल कीमतों में कटौती नहीं होने से लॉकडाउन की सुस्ती के बावजूद ट्रक रेंटल बढ़ गए हैं। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के कोऑर्डिनेटर एसपी सिंह ने बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की वेरिएबल कॉस्ट में डीजल और टायर की हिस्सेदारी 90% है। क्रूड के हिसाब से डीजल कम से कम 10 से 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता होना चाहिए। टायर की कॉस्ट में क्रूड कीमतों का अनुपात 15-20% रहता है। ऐसे में सरकार कंपनियों को दाम घटाने के निर्देश दे सकती है। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने डीजल कीमतों में कटौती की मांग से फिलहाल यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह मुद्दा पेट्रोलियम मंत्रालय के हवाले से किया जा चुका है और वहीं से कोई अंतिम निर्णय होगा। इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान ट्रक रेंटल में 60-70% की तेजी आई है। सभी तरह की माल ढुलाई की छूट मिलने के बावजूद अभी तक 10% ट्रक ही चल रहे हैं। न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली।